हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी करके किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं यहाँ पे। तब निफ्टी की वीकली में देखो, यहाँ पे तो प्रीवियस वीक में अच्छी खासी गिरावट आई थी, और इस वीक में भी कहो ना बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल लेके ऊपर जाने की कोशिश करती थी। लेकिन क्या हो रहा है, ये वापस इसने प्रीवियस वीक का लो था उसके नीचे ही क्लोजिंग दी, और इसकी भी कैंडल है ना कुछ ज्यादा कुछ खास अच्छी लग रही, पर थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला लग रहा है और थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा लग रहा है अभी। मतलब कोई ऐसे क्लियरिटी पॉजिटिव साइड को लेकर आ नहीं पा रही कुछ भी। वीकली में भी देखें और डेली में भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिजेक्शन आ रहा है बार बार अभी यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी देखते हैं। इसमें तो एक सपोर्ट लेवल अभी लो का है, उसको तो हम कंसिडर करेंगे इमीडिएट बेसिस पे, जो मेन सपोर्ट है वीकली का। और उसके बाद अगर ये गिरा तो फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल है 24529 तक के लेवल की, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वीकली। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक बार। अब डेली पे देखो क्या चक्कर पड़ा ना, 25060 ये एक लेवल है यहाँ पे जिसपे बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके हम बारे में बात भी करी थी। उस लेवल पे बार बार यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिजेक्शन इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये वाला 25050 25060 के आसपास का। उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, निकलता तो है यहाँ पे, जाता तो है, कोशिश तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा। बीच में एक कैंडल आई थी वैसे ग्रीन वाली कैंडल, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखी थी। उसके बाद क्या हुआ ना, गैप अप होकर ऊपर निकल तो जाता है, गैप अप होकर आज थोड़ा बहुत लेके ऊपर निकलता है, जाता तो है, नया हाई लगा था इससे प्रीवियस उससे, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा, वहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रही। मेन चीज़ क्या है ना, क्लोजिंग आना, तो 25060 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ आगे देखने को मिल सकती है, वरना तो क्या होगा ना, अभी यहाँ पे ये इसी रेंज में यहाँ पे घूमता रहेगा। थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे ये 24922 का लेवल ब्रेक करा तो फिर डाउन साइड में यहाँ पे 24770 के आसपास भी आ सकता है, यहाँ पे इसमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। और फिर चक्कर क्या पड़ा ना, 25000 का एक क्रूशल लेवल है अपने आप में, तो 25000 की जब तक नीचे है तब तक थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, फिर वो रिजेक्शन पे ही काम करेगा। एक बार सस्टेन कर जाए मतलब 25050 25060 के ऊपर, तब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ फिर अपोजिटिव साइड में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अभी भी कोई इतनी ज्यादा कोई खास स्ट्रेंथ नहीं। बाकी हाँ, शेयर्स में भी कई जगह अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, तो शेयर्स पर फोकस कर सकते हैं जब तक इसका कन्फ्यूजन पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अब तो नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे एक्सपायरी सिर्फ इसकी निफ्टी की रहा करेगी, वीकली एक्सपायरी, बाकी सब तो बंद जाएगी एनएससी के उसमें। ठीक है, तो निफ्टी पे फोकस रहेगा आगे आके, मतलब ओवरऑल एक ही एक्सपायरी बची है वीक में यहाँ पे, तो इसको पहले थोड़ा सा क्लियरिटी जान दो, उसके बाद इसमें यहाँ पे कोई अग्रेसिव प्लान करना है यहाँ पे पोजिशनल के हिसाब से। यहाँ पे डाउन साइड में अच्छा सपोर्ट है 24750 का, और अप साइड में एक रिजेक्शन है मेन यहाँ पे 25250 के आसपास का, तो इसी रेंज में यहाँ पे घूम रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सॉरी, एक मिनट, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या लेवल्स दिख रहे हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें अगर हम यहाँ पे, इसमें तो ये एक सपोर्ट लेवल था इसका 24948 का, इसका इसको उसको ब्रेक करके नीचे जाता रहा, लेकिन यहाँ पे भी फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है ये। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक जो रिजेक्शन है यहाँ पे भी 25025 का ये है, इसे यहाँ पे मेन तो 25050 के आसपास है, बाकी 25025 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पे डाउन साइड में सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है, जो लो लगाया था अभी रिसेंटली इसमें, उस लो को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें, यहाँ पे सपोर्ट की तरह इसमें ये वाला लेवल इसका ना है 24919 का। ऊपर के बेसिस पर अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है मंडे को, इस मॉर्निंग में इस लेवल को ब्रेक करता है 24983 का, तो फिर 25025 तक आराम से जाने की फिर कोशिश करेगा ये, 25024 25 तक यहाँ पे इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। और डाउन साइड में अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है ये इस जगह को, ये तो फिर यहाँ पे 24919 तक आराम से फिर जाने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद तो फिर 24887 24812 ये सारे लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे इसके, यहाँ पे निफ्टी के लिए। इसको ये हटाऊँ मैं यहाँ से पहले। ठीक है, तो 24883 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो फिर डाउन साइड में यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, फिर 24812 24751 सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे इसके इसमें निफ्टी में। अब हम बात करें एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देखें अगर वीकली पर यहाँ पे, तो अभी भी इस नेगेटिव ही कैंडल दिख रही है यहाँ पे, इसकी पोजिशन तो जो लग रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली देखो ना प्रीवियस जो कैंडल थी उसका लो ब्रेक करके भी मार्केट ने क्लोजिंग दे रहा है, मतलब निफ्टी के कंपेयर में इसकी इतनी कैंडल वैसे भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखी थी लेकिन इसमें तो उतनी भी नहीं दिखी, और इसका जो लो है यहाँ पे वो ब्रेक करके डाउन साइड में जा रहा है अभी यहाँ पे। तो साथ में पहले एक बार हम एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, और उस एचडीएफसी बैंक उसके अलावा रिलायंस भी देख लें। एचडीएफसी बैंक ना वीकली पर अगर देखा तो वीकली पर से रिकवरी कर रही है, डेली पर अगर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है ये इस जगह के आसपास। अगर ये 1587 का लेवल ब्रेक होता है कभी तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत कर देगा, फिर तो ये आराम से ये 1553 तक आराम से आने की कोशिश करेगा, और इसके 10-15 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं जिसके सर्वे से काफी मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है बैंक निफ्टी वगैरह। ठीक है, एक बार रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं, रिलायंस के उसमें क्या लग रहा है, रिलायंस का चार्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पे हम रिलायंस पे भी देखो क्या है ना, इस जगह के आसपास हमने ऑलरेडी सपोर्ट बना रखा है, यहाँ पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे इस जगह पर सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर 2623 तक वापस रिलायंस आ सकता है यहाँ पे इस जगह पर, ध्यान रखना। अगर ये इसका बेस ब्रेक हुआ तो फिर 2623 तक ही इसमें डायरेक्ट टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पे से, क्योंकि उसके बीच में फिर ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सपोर्ट है 2649 का मतलब, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसमें कि 2630 के आसपास तक आराम से आने की फिर ये कोशिश करेगा यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के यहाँ पे।
तो बैंक निफ्टी का एक बार डेली टाइम फ्रेम का देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो थोड़ी बहुत है ना एचडीएफसी बैंक ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया भी सीधा, लेकिन यहाँ पे वापस से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये 51,000 के ऊपर यहाँ पर जब तक है तब तक ठीक है, अगर 51 के नीचे आया तो वापस से फिर ये इस लेवल को देखने को मिल सकता है यहाँ पे, 50,400 तक के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। और अपर साइड में भी रिजेक्शन की वजह जो देखें यहाँ पे वो क्या है 51,780 का। अभी क्या रहा ना, ये जो कैंडल बनी थी ये 7 अक्टूबर की, इसी कैंडल के उसमें यहाँ पे किसने रेंज बना रखी है। अब इस रेंज का तो ब्रेक करे, अपर साइड में ब्रेक करे या फिर डाउन साइड में ब्रेक करे, तो इनसाइड कैंडल बनी हुई है अभी, मतलब ये पिछले 4 दिन से मतलब यहाँ पे सेशन हुए हैं वो इसी कैंडल के बीच में यहाँ पे चल रहे हैं बैंक निफ्टी में। इसको ब्रेक होने का वेट करो, या तो अपर साइड में ब्रेक हो या फिर डाउन साइड में ब्रेक हो इसमें। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट पे क्या कंडीशन लग रही है। 5 मिनट में देखो यहाँ पे ये लेवल पे बंद हुआ था इस जगह के आसपास, तो इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे ये सपोर्ट अगर ये थी सी, तो इसको मैं देखा चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब चेंज करके अगर हम देखें यहाँ पे तो आ रहे हैं हमारे लेवल्स, ठीक है, और एक रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास का। ये रिजेक्शन अगर 51,250 ब्रेक करता है तो 51,318 का लेवल देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 51,534, फिर 51,675, ये सारे लेवल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे आगे के लिए। और इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे ये लेवल अगर ब्रेक होता है ये वाला 51,100 का, तो फिर 50,999 मतलब ये वाला लेवल यहाँ पे 51,000 तक के आराम से फिर चांस से देखने को यहाँ पे। उसके बाद आएगा फिर यहाँ पे 50,908 का लेवल, और उसके बाद है 50,691, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे यहाँ पे डाउन साइड के लिए यहाँ पे ऐसे के। तो ये लेवल्स ओपन हो जाएंगे, इसमें ध्यान रखना ये लेवल्स पे काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। ये कौन सा लेवल है, वो है यहाँ पे 51,000 का, 51,000 के ऊपर यहाँ आसपास यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया से 50,900 से लेकर 51,000 के यहाँ पे अच्छा बेस बना रखा है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 50,691 तक वापस से आने की चांसेस रहेंगे इसमें बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं एक बार फिर निफ्टी के बारे में, तो CNX फाइनेंस का एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। इसका अगर डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट सेम होता है बैंक निफ्टी के हिसाब से। यहाँ पे इसमें देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखो इसका ना 23,628 ये लेवल अगर ब्रेक होता है ऊपर, तो फिर वापस से यहाँ पे ये इस जगह पर 23,719 तक एक बार यहाँ पे चांसेस इस जगह तक आने के पूरे रहेंगे इसमें 720 तक, ठीक है। अगर वो ब्रेक होकर निकलता तो 23,816, 23,884 ये सारे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हमें फिर निफ्टी में। और डाउन साइड में भी क्या चक्कर है ना, यहाँ पे डाउन साइड में अगर एक बार ये इस लेवल को ब्रेक करता है 23,571, तो फिर चांसेस हैं यहाँ 23,512, 23,828 ये सारे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं 23,345 तक। तो इन लेवल्स पे वापस ही जा सकता है फिर निफ्टी। एक बार हम बात करेंगे यहाँ पे CNX मतलब निफ्टी आईटी के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी आईटी का एक बार हम चार्ट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी आईटी है थोड़ा वो जो अभी तक भी बेस बना रहा है अपनी एक पोजिशन पे यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या है ना, इसके ऊपर हम रेगुलर बात कर रहे हैं कि निफ्टी आईटी अभी क्या है ना 41,680 पे एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और अभी फ्राइडे को भी इसने सेशन में यहाँ पे इसी वजह से अच्छा एक रिवर्सल लिया और यहाँ पे आके सस्टेन करा। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है और डाउन साइड में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 41,680 का। तो निफ्टी आईटी के क्या थोड़ा सा आईटी के शेयर से रिजल्ट भी आने लगे, तो उस पर भी रिएक्ट करेगा मार्केट अभी, तो उस चीज़ पर ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर इसने स्ट्रेंथ दिखाई तो फिर निफ्टी को भी लीड करने की कोशिश करेगा, रिलायंस भी अपने सपोर्ट पे अगर गिरता है वहाँ से तो फिर तो डाउन साइड में ओपन हो जाएंगे टारगेट, और वहाँ से अच्छा सपोर्ट लेकर अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर मोमेंटम आपसे अच्छा देखने को मिल सकता है। थोड़े बहुत इन चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पे, काफ़ी कुछ जैसे सेक्टर यहाँ पे अच्छे सपोर्ट ले रहे हैं और कुछ शेयर जैसे रिलायंस जैसे हैं HDFC जैसे हैं वो वहाँ पे अपना सपोर्ट ले रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे, और अपने बिल्कुल सपोर्ट के आसपास बैठे हुए हैं। तो उन्हीं चीज़ को ध्यान में रखना है यहाँ पे ऐसे में। और वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।